लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सांसद राजन विचारे ने आज तुर्भे स्टेशन परिसर का दौरा किया और चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। उनके साथ शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। स्थानीय नेता सुरेश कुलकर्णी की मांग को बल देते हुए सांसद ने यहाँ सिडको अधिकारियों से स्टेशन परिसर में अधिकृत ऑटो स्टैंड की मंजूरी दिलाई। सांसद राजन विचारे ने हाईवे पर प्रस्तावित उड़ान पुल के निर्माण में हो रही देरी को दुखद बताते हुए विकास में गति दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने माना कि कुछ कारणों से उड़ान पुल का काम रुका हुआ है, लेकिन जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। अगर सब कुछ ठीक रहा तो तुर्भे स्टोर के पास हाईवे पर प्रस्तावित उड़ान पुल का सपना जल्द पूरा हो सकेगा। आज सांसद राजन विचारे ने स्थानीय नेता सुरेश कुलकर्णी के साथ यहां तुर्भे स्टेशन परिसर का दौरा करते हुए यह भरोसा दिलाया। उन्होंने चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान का भी जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने हाईवे पर खड़े रहने वाले रिक्शा चालकों के लिए स्टेशन परिसर में अधिकृत ऑटो स्टैंड बनाने की मंजूरी भी दिलाई, ताकि यात्रियों को ऑटो पकड़ने के लिए हाईवे पर आने की जरूरत ना हो। सांसद राजन विचारे ने कहा कि तुर्भे स्टोर की जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। कालच्या चक्रीवादळामध्ये या तुर्भे स्टेशनचं जे काही पत्रे उडाले होते या संदर्भात सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना आज इथे बोललो होतं आणि ते तातडीने दुरुस्त करायला सांगितलेलं आहे। त्याचबरोबर आपले इथले स्थानिक नगरसेवक कुलकर्णी साहेब यांच्या माध्यमातून या ठिकाणच्या नागरिकांची खास मागणी होती की या ठिकाणी जे रिक्षा स्टँड इथे असायला पाहिजे या स्टेशनच्या इथे, तो रिक्षा स्टँड बाहेर असल्यामुळे ट्रॅफिक जाम होते, तर हे या ठिकाणी करण्यात यावं अशी विनंती त्यांनी केली होती। त्या पद्धतीने त्यांना सांगितलं गेलेलं आहे की या लवकरात लवकर हा रिक्षा स्टँड आम्हाला करून देण्यात यावा। ब्रिजच्या कामाच्या संदर्भात आता निविदा मला वाटतं काढायला सांगितलेलं आहे कमिशनर साहेबांना आणि ते पण काम लवकरात लवकर सुरू होईल। बताना जरूरी है कि स्थानीय नेता सुरेश कुलकर्णी लंबे समय से यहां उड़ान पुल बनाने की मांग करते आ रहे हैं, जिनमें ऑटो स्टैंड के साथ ही कई सुविधाओं की मांग भी शामिल है। खुद सुरेश कुलकर्णी ने बताया कि तुर्भे स्टोर के विकास से जुड़ी ढेरों मांगे मान ली गई है और जल्द ही उसका काम शुरू होने वाला है। उन्होंने सांसद और पालक मंत्री के प्रति आभार भी जताया, जिनकी पहल पर यहां उड़ान पुल और दूसरे विकास कार्यों को गति मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।